सब वाकिफ हैं कि हम आज कितने सोगवार हैं और इस महफिल में ऐसी शख्सियत को शिरकत उसकी नहीं अदम शिरकत से हम बहुत ही मुतासर हैं। और आपको तो मालूम है कि मरहूम दो तीन दिन कब्र और हिरत कर गए। शहर में बहुत से जलसे ताजियती हो रहे हैं। हमारे यहाँ का जलसा जो है एक घंटा रहेगा क्योंकि नमाज मगरिब की है और शहर के कई नुमाइंदे तंजीमों के लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। आप कुछ चेहरा देख रहे होंगे उन लोगों को। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जो कोई भी इजहार ख्याल करना चाहें वो तो 5 मिनट से ज़्यादा ना लें क्योंकि हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा। और आपको तो मालूम है कि असर और मगरिब के दरमियान बहुत कम है वक्त। और यह तो सब ये भी है कि हर एक के दिमाग में हर एक के दिल में मरहूम के ताल्लुक से गम का एक तूफान बपा है। लेकिन क्या करें कि वक्त की मजबूरी है, लिहाजा कोशिश इस बात की कीजिए कि ज़ाहिर ख्याल में सबको मौका मिले। मैं अगर कोई साहब नात से सरफराज फरमाना चाहें तो नात के लिए आ सकते हैं। नात के लिए नात गो हजरात में से कोई हैं क्या? ठीक है, तो मैं
आज के हमारे कवालियात के ही मुखर्रर, आपको मालूम है कि अरसे दराज तक हमारे महाफिल से जुड़े रहे, वो हैं हमारे इम्तियाज़ुद्दीन साहब, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सैनशीन पर तशरीफ लाएँ और हमें मुखातिब फरमाएँ। ज़रा ये देखो बाबा, कुर्सी दलर। कितने अफसोस की बात है कि अभी एक हफ्ते पहले तक भी हम इस मौक़ में थे कि इस जगह जनाब मुस्तर मजाज इकबाल के फारसी कलाम की तशरीह करते थे और हम उनको बसर शौक सुना करते थे, लेकिन पिछले जुमे को यानि 19 अक्टूबर को शाम 6 और 7 के दरमियान अचानक उनका इंतकाल हो गया। वैसे तो उनकी उम्र 84 बरस थी और ये अच्छी खासी उम्र है और बहुत कम लोग इस उम्र को भी पहुंचते हैं, लेकिन वो इतने डायनामिक और इस कदर फ़ाल थे कि हम उन ये समझते थे कि वो और बहुत दिनों तक ज़िंदा रहेंगे और हम उनसे फैज़याब होते रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, और एक दिन सबको जाना है, चुनाचे मुस्तर साहब भी हमसे रुखसत हो गए। लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसी यादें छोड़ गए हैं जो हम उनको कभी भुला नहीं सकते। मैं थोड़ी सी बातें और करूंगा कि मुस्तर साहब का ख़ानदानी ताल्लुक बुलंदशहर यूपी से था, लेकिन उनकी पूरी तालीम यहीं हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो बहुत छोटे थे उस ज़माने में, बीदर में रहा करते थे, बीदर में थे, उनके वालिद की मुलाजमत वहीं थी। लेकिन बीदर में प्लेग फैला तो वो इस तरफ हैदराबाद आ गए और चंचलगुड़ा हाई स्कूल में वहाँ उनकी तालीम मैट्रिक तक हुई, और उस चंचलगुड़ा हाई स्कूल को वो इसलिए भी अहमियत देते थे कि मशहूर शायर फ़ानी बदायूनी किसी ज़माने में वहाँ पर हेडमास्टर थे। उसके बाद मुस्तर साहब चादरघाट कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और डॉक्टर मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर उस ज़माने में वहाँ पर प्रिंसिपल थे। तो मुस्तर साहब, मेरा ख़्याल है कि तालिबे इल्म भी काफ़ी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि उनकी उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानें वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, और सबसे अहम अंग्रेज़ी का जानना या उर्दू का जानना इसलिए अहम नहीं कि उर्दू तो मातृ ज़बान थी और अंग्रेज़ी बहरहाल उसका पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन जो फ़ारसी में उनको दस्तरस हासिल थी वो बहुत अहमियत की बात थी। वो फ़ारसी न सिर्फ इतनी जानते थे कि शायरी समझ सकते थे, बल्कि वो इकबाल के फ़ारसी कलाम के मुतरजिम भी रहे, और उसके अलावा हाफिज़ सादी और उमर खय्याम और कई फ़ारसी शुरा का कलाम भी उनको असबर था, और वो नहायत उम्दा तरीक़े से उसका मतलब बयान करते थे। और मुझे एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं है कि अक्सर कभी मैं इकबाल की बात नज़मों का यहाँ तज्जिया पेश करता था
तो इकबाल की उर्दू नज़मों में भी उनके फारसी अशआर आ जाते हैं। उस वक्त मुझे दिक्कत होती थी तो मैं उनको फौरन फ़ोन कर लेता था और वो बमुश्किल दो चार मिनट में उस शेर का मतलब समझा देते थे और मैं उसको पेंसिल से बाले जिब्रील में या बांगे दरा में या बाद में ज़र्ब कलीम वगैरह में उसको नोट कर लिया करता था और यहाँ पर भी मुझे उससे बड़ी मदद मिलती थी। एक और बात बड़ी ख़ास ये है कि उन्होंने इकबाल के कलाम का बेशतर हिस्सा उसका तर्जुमा किया और इकबाल के कलाम का तर्जुमा भी बाकायदा शेर की ज़बान में किया, ये नहीं कि नस्र में तर्जुमा कर दिया हो, और उसका भी जो उन्होंने बाकायदा पूरे फ़नी महासिन के साथ उसका तर्जुमा किया और कलाम जो था उसका मौज़ू और शेर के अंदाज में किया, जो बहुत बड़ी बात। और दूसरी ख़ास बात ये थी कि ऐसे फ़ारसी अल्फाज जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं अगर इकबाल के उस यानी इकबाल के कलाम में वहाँ इस्तेमाल हुए हों तो वो उन अल्फाज को ही अपने उर्दू तर्जुमे में इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इकबाल के कलाम को सामने रखकर इनका तर्जुमा देखने से बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि हम इकबाल के कलाम ही को उर्दू में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसका एतराफ़ कई लोगों ने किया है। खुद प्रोफेसर सिराजुद्दीन जो खुद भी बड़े आलिम आदमी थे उन्होंने भी जावेद नामे का जब तर्जुमा किया तो उनके अपने प्रेफेस में यानी दिबाचे में उन्होंने लिखा कि मुस्तर का तर्जुमा इतना अच्छा है कि बग़ैर मेरे ने किसी तहरीक के या किसी कोशिश के इस तर्जुमे में मेरे तर्जुमे में मुस्तर के कई मिसरे कई शेर आ गए हैं जो उन्होंने जावेद नामे में लिखे हैं। तो उसको सरका ना समझा जाए बल्कि उसको ये समझा जाए कि मैंने इतनी मेहनत से जो किया है काम उसमें मुस्तर की मेहनत भी शामिल है कि जब मैंने उनके तर्जुमे को पढ़ा तो वो इतना दिलनशीन तर्जुमा था कि वो मेरे तर्जुमे में भी काम आ गया। ये बहुत बड़ी बात। एक और बात मुस्तर साहब के बारे में मैंने महसूस की और वो बज़ाहिर अजीब सी मालूम होती, वो ये है कि मुस्तर साहब बहुत अच्छे शायर भी थे और शोरा में एक कमज़ोरी या खूबी जो भी आप कह लें ये होती है कि वो अपना कलाम सुनाए बगैर नहीं रह सकते थे। आपने देखा होगा कि यहाँ सैकड़ों महफिलों को उन्होंने मुखातिब किया लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दौरान तकरीर उन्होंने कहा हो कि यहाँ पर मुझे अपनी फ़लाँ नज़्म याद आ रही है या फ़लाँ गज़ल के मेरे अशआर जो हैं वो इकबाल से कितने करीब हैं, ऐसा कभी उन्होंने अपना कलाम नहीं सुना है। हमेशा इकबाल ही के कलाम पर उनकी तवज्जो रही है और बहुत बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ यहाँ उनकी महफिलों में उन्होंने कवर किया और बिलखुसूस वो हिस्सा कि जो इकबाल आखिरी ज़माने में मजबूर हो गए थे और हज को जाना चाहते थे लेकिन डॉक्टरों की इजाज़त नहीं थी, तो जो तड़प इकबाल के दिल में थी कि हज से वो हज को जा नहीं सक रहे हैं तो उस मुख्तलिफ़ किताब उसमें हैं, किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो उन्होंने पूरा उसका तर्जुमा किया। इसके साथ साथ इकबाल के कलाम को यानी रूचनाक कराने यूँ तो कई तर्जुमे मौजूद हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्तर साहब का जो तर्जुमा है वो नहायत आसान ज़ुबान में और असल से बहुत ज़्यादा करीब तरीन है। इसके अलावा वो ख़ुद बहुत अच्छे शायर थे, उनकी शायरी के तीन मजमूए शामिल हो शाये हो चुके हैं, एक तो है एक सुखन और यानी फैज़ का मशहूर शेर है कि एक सुखन और के फिर रंग तकल्लुम तेरा हर्फ सादा को इनायत करे एजाज का रंग,
तो एक सुखन और यहाँ से उन्होंने लिया था उनके कलाम का मजमू। दूसरा मजमुआ था, मुझे इस वक्त नाम उसका याद नहीं आ रहा है। तीसरा था जो हाल में शाये हुआ था, वो तिलिस्म मजाज था, तो बहुत अच्छा मजमुआ था। उनको गालिब अवार्ड भी मिला था, जो मालियती एतबार से तो कुछ 75,000 या 1,25,000 होता है, जो दिल्ली में गालिब एकेडमी की जानिब से मिलता है। और ख़ुद हमारी ये इकबाल शिनासी की महफिल में की तरफ से भी एक सालाना जलसे में मैं समझता हूँ कि 11,000 रुपये का चेक उनकी खिदमत में पेश किया गया था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने तौर पर अपने शायर के एजाज़ में ये पेश करना भी एक तरह की सुखन शिनासी में आता है। मैं ज़्यादा बात को तवील करना नहीं चाहता। मुस्तर साहब की वफ़ात हम सब के लिए एक नहायत दर्दनाक सानहा है। हम उनको हमेशा याद रखेंगे और अच्छे अल्फाज में खुशगवार अंदाज से उनकी याद हमको आएगी, क्योंकि उनके अंदर इंकसार भी था, खुलूस भी था, और वो हर किसी से इस तरह मिलते थे जैसे बरसों की शिनासाई हो और दूसरे आदमी को ये एहसास नहीं होने देते थे कि वो खुद बहुत आलिम है और उनका जो मुकाबिल है वो उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं है। मैं उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, और मुझे इस बात का बड़ा रंज है कि महज उनके इंतकाल से 2-4 दिन पहले भी जब उनसे बात हुई थी, उस वक्त उन्होंने कभी ये नाउमीदी का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, और ना ये कहा था कि वो इतने बीमार हैं कि उनका मरस बढ़ता जा रहा है। हालांकि बास तकालीफ शायद उनको थी, उनको जिसको वो ख़ुद भी बहुत लाइट ले रहे थे। चुनाचे उनके इंतकाल से कमोबेश 1.5-2 महीना पहले 18 अगस्त 2018 को, जो हफ्ते का दिन था, वो एक दावत में एक जलसे में शरीक हुए थे। वहाँ से वो रात का खाना खा के जब निकले तो उस वक्त उनकी गर्दन में और बल्कि पूरी पीठ में बड़ा शदीद दर्द शुरू हुआ, और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि तुम बिल्कुल मेरे साथ चलो। वो पहली मंजिल पे था, नीचे आना था, लिफ्ट भी थी, फिर भी कोई साहब अपनी तवज्जो से कुर्सी मिलाए और कुर्सी पर उनको बिठाकर ले जाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी उन्होंने अपनी अलालत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो उनको, वैसे कुछ स्पॉन्डिलाइटिस भी हुई थी और बस हल्के फुल्के कभी कुछ इजाबत में कब्ज की शिकायत भी हो रही थी। बाहर तवज्जो उन्होंने वैसी नहीं की जैसी आमतौर पर करना चाहिए था। अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। और यूँ अगर कहा जाए तो हम सब उनके लवाहिकीन में शामिल हैं, और एक इरादत उनसे रही है, और हम सबको भी सब्र के साथ इस सानहे को झेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वादा किया है और उनकी सलाहियतों से वादा किया है। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि मुखर्रिन की तादाद काफ़ी है, और अल्लाह आपसे गुजारिश रहेगी कि इसका ख्याल रखें। मैं जनाब अनवर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि पाँच मिनट